हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। लास्ट क्लास में बात किए थे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सारा डिटेल हम डिस्कस किए थे। इस बार डिटेल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखना इस तरह से है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको फाइंड करना है ना, जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। ये है आपका सम ऑफ जीरोज और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दिया हुआ है। इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, देखना सॉल्यूशन है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। लेट लेट सम ऑफ लेट सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे मानेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। अल्फा और बीटा क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 1/4, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिए हुए हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमारे सम ऑफ जीरोज कितने दिए हुए हैं? 1/4, तो इसके जगह पर हम 1/4 लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने दिए हुए हैं हमारे? -1, तो -1 लिखेंगे, सी अपॉन ए। अब यहाँ से लिंक देखना, ए हमारा कितना है? 4, और बी कितना है? तो यहाँ भी हमारा ए 4 होना चाहिए। तो देखना 4 माइनस बी अपॉन ए। अब हमको यहाँ 1 लाना है और यहाँ माइनस में, तो माइनस कंपेयर किए, माइनस और 1 करेंगे तो नहीं हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस और 1 ही रहा, 4 भी रहा, इस माइनस से ये माइनस कंपेयर हो गया और बी की जगह पर -1 लिखेंगे। इसकी तरह से सी अपॉन ए, तो ए कितना हम लिए यहाँ? 4, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। और जब यहाँ 4 देंगे तो यहाँ हमको 1 लाना है, तो 4 ऊपर करेंगे तभी तो 4 से 4 कटेंगे तो 1 आएगा, माइनस का साइन कंपेयर करा दो। तो 4 यहाँ रखेंगे तो ऊपर ही हमको, क्योंकि 1 लाना है, तो 4 बन जा 4, कट करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, -1। तो इस तरह से, तो ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ए बराबर कितने आ गए? 4। बी बराबर कितने आ गए? माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, तो बी बराबर ब्रैकेट वाला -1। एंड सी बराबर कितने हो गए? माइनस फोर हो गए, है ना। अब यहाँ से ऊपर
सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए के जगह पर क्या लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर माइनस वन एक्स प्लस सी के जगह पर माइनस फोर, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर दीजिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन इंटू एक्स एक्स प्लस माइनस माइनस फोर, यह रहा आपका आंसर। इस तरह से हम लोग करेंगे, इसी तरह से हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर, यह आपका कंप्लीट हुआ, हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर, देखना नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन करेंगे उसी तरह से, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, सम ऑफ जीरोज, रूट्स और जीरोज एक ही होते हैं, क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमें यहाँ दिया हुआ है ये रेस्पेक्टिवली, ये है हमारा सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के जगह पर हम क्या लिखेंगे रूट टू माइनस बी अपॉन ए, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे वन अपॉन थ्री सी अपॉन ए, ये लिख दिए। अब हमें यहाँ से लिंक क्या मिला स्टूडेंट, ए बराबर कितना रखना है हमको थ्री, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे ए के जगह पर थ्री रखेंगे, ए के जगह पर थ्री, यहाँ भी थ्री हो गया। अब बी को यहाँ माइनस है तो माइनस सेटिस्फाई करो, यहाँ हमको प्लस लाना है तो बीच में ही माइनस देना होगा और रूट टू करेंगे, तो रूट टू करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा ना फिर, तो यहाँ से थ्री माइनस थ्री रूट टू करेगा, देखो थ्री से थ्री क्रॉस हो जाएंगे तो क्या बचेंगे रूट टू, और हमको यहाँ प्लस मिलाना था तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे है ना, इसलिए हमको यहाँ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, थ्री से थ्री रिमूव हो जाएंगे बच जाएंगे रूट टू और माइनस माइनस प्लस, ए थ्री भी हो गया यहाँ भी ए थ्री, सी इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू माइनस से माइनस कंपेयर, तो बी वाला ब्रैकेट वाला पार्ट माइनस थ्री रूट टू, ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए बराबर कितना हो जाएंगे ए बराबर थ्री और बी बराबर ब्रैकेट वाला माइनस थ्री रूट टू और सी बराबर वन, तो क्या लिखेंगे हम सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे ए के जगह पर हम लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर और बी के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस थ्री रूट टू एक्स और सी के जगह पर क्या लिखेंगे वन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, यह रहा आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर टू बन गया। अब हम थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट जीरो और रूट फाइव, ये आपका सम ऑफ जीरोज और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़,
तो उसी तरह से हम मानेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो हमारा सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, जीरो, तो जीरो लिख देंगे इसके जगह पर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, रूट फाइव, कितना दिया हुआ है, रूट फाइव सी अपॉन ए, है ना। अब देखो जीरो अपॉन माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ लिखेंगे सी अपॉन ए, एक कुछ नहीं है तो हम उसको वन लिख सकते हैं, रूट फाइव, वन से रूट फाइव में डिवाइड करेंगे तो रूट फाइव ही आएगा, इसलिए सिंपली हम वन लिख दिए। तो यहाँ वन तो यहाँ भी वन, है ना, तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा दो वैसे ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या लिखेंगे, ए बराबर कितने हो गए वन, और बी बराबर जीरो, और सी बराबर रूट फाइव, रूट फाइव। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, ये है हमारा, तो ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वन एक्स स्क्वायर, बी है जीरो, और सी कितना है हमारा, सी रूट फाइव है, तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो रूट फाइव, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट फाइव, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, एक्स का पावर टू है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो ये रहा आपका विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपका दो होमवर्क रहेगा, फोर और फाइव। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, बाकी दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, फोर और फाइव, देखना एक बार, ठीक। उसी तरह से लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसको हम सेम लिखेंगे, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज कितने दिए हुए, फोर, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने दिए हुए हमारा, वन सी अपॉन ए। अब यहाँ फोर है, यहाँ है हमारा वन, तो नीचे तो नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस को कंपेयर कराएंगे, और हमको लाना है प्लस में, देखना माइनस माइनस प्लस, और वन से डिवाइड करेंगे फोर में तो फोर ही आएगा, इस माइनस से कंपेयर हो गया। अब देखो यहाँ सी अपॉन ए, ए हमें कितना रखना है, वन, तो यहाँ भी हम वन रखेंगे, और ऊपर वन ही लाना है, तो वन से वन कट करेंगे तो वन ही आएगा, तो ऑन कंपेयरिंग ए बराबर कितने हो गए, वन, और बी बराबर ब्रैकेट वाला पार्ट माइनस फोर, और सी बराबर कितने हो गए, वन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएंगे, वन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर एक्स प्लस सी वन, ये हो गया विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये इस तरह से रहा क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट ये आपका दो होमवर्क रहेगा, फोर और फाइव, बाकी ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 2.2। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट, और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।